So let's move on to our next performer, जो जौनपुर से आए हैं. Please welcome Suraj Tripathi. आज के दौर में सब जैसे सोनी टीवी में आप पहुंचे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ऐसे में गांव के कई बच्चे होते हैं जो जानना चाहते हैं, परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, बहुत सारे टैलेंट हैं, तो उनको कैसे राह दिखाएंगे आप? देखिए, राह दिखाने का सबसे पहली बात है, क्योंकि हालांकि उस चीज को लेकर हम आज भी मेहनत करते हैं और वो जिंदगी भर मेहनत कर रहे हैं. सबसे पहली बात, आपके पास मटेरियल कंटेंट बैंक जो है ना, आपके कंटेंट जो हम परफॉर्म करने वाले हैं उसको बैंक कहते हैं, कंटेंट का बैंक. आपका कैनवास इतना बड़ा होना चाहिए, इतना आपके पास कम से कम 2-5-10 घंटे का माल होना चाहिए, ताकि एक कंटेंट अगर उनको सही नहीं लगा तो दूसरा, दूसरा सही नहीं लगा तो तीसरा. हमारे पास इतना माल होना चाहिए, इतना बैंक होना चाहिए कि हमारा रिजेक्शन होने का चांसेस ही ना हो. तो सबसे पहले तो तैयारी, और जहां तक बात तैयारी की आती है, एक छोटी सी बात आपको सुनाता हूं मैं. हमारे जौनपुर में आप किसी भी बच्चे को पूछना और क्या चल रहा है, तो बच्चा एक ही बात बोलेगा कि तैयारी चल रही है. तैयारी चल रही है. हालांकि हमको तो आज तक समझ में नहीं आया ये किस बात की तैयारी चल रही है. आज तक समझ में नहीं आया हमें कि किस बात की तैयारी चल रही है. किस बात की तैयारी? वो तो एक दिन पुलिस आई, उसको पकड़ के लेके गई. अगले दिन अखबार में छपा, तब पता चला कि कौन सी तैयारी चल रही थी. क्या बात है भैया. आदमी देखिए, इंसान धन के पीछे तो तब तक भागता है जब तक उसका निधन ना हो जाए. इसलिए धन के पीछे और निधन के पीछे ना भागे, हम अपने मस्ती में जिए, इससे बड़ी कोई बात नहीं. इंसान धन के पीछे तब तक भागता जब तक निधन न हो जाए. बहुत तो बस आपका साथ चाहूंगा मैं, क्योंकि जिंदगी में हर इंसान को मस्ती में रहना चाहिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना दुनिया में कुछ लोग तो जबरदस्ती जिंदा है. क्या बात है, क्या बात है. और जौनपुर से एक बहुत छोटा सा स्टेशन है जंघई स्टेशन, आपने नाम सुना होगा. जंघई स्टेशन के पास एक मीरगंज बाजार है, और बाजार को लगकर ही छोटा सा गांव है मेरा, जिसका नाम है मणिकापुर. बहुत छोटा सा गांव है, लगभग 100-150 की आबादी होगी आज भी वहां पर, लेकिन जो देसीपन है वहां का वो जीवित है. नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज. आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो जौनपुर का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे देश में नाम रोशन कर रहे हैं, सोनी टीवी पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं. सूरज त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपका जय भारत में बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आप जौनपुर और पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट कमेंट क्या होगा आपका? जी, ये हमारे लिए गर्व का विषय है, और जौनपुर शुरुआत से हमारे लिए गर्व का विषय इसलिए रहा है क्योंकि हमारी जन्मभूमि है वो, और आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो सिर्फ जन्मभूमि के आधार पर ही कर रहे हैं. तो बहुत खुशी का पल है कि जौनपुर के नाम को हम आगे लेकर जाएं. हालांकि पूरी देश और दुनिया जौनपुर का झंडा और लोहा बनवा चुकी है, लेकिन एक छोटी सी कलम ने प्रयास की है कि नाम को थोड़ा और आगे लेके जाने की कोशिश की है बस. आप सोनी टीवी पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो कैसा स्ट्रगल रहा, कैसे आप वहां तक पहुंचे, क्या रहा संघर्ष की कहानी? संघर्ष की कहानी तो नहीं कहूंगा इसको, एक शब्द कई लोगों ने इस्तेमाल किया है कि स्ट्रगल. हालांकि मैं इसको स्ट्रगल नहीं कहता हूं, मैं इसको जर्नी कहता हूं. मैं जैसे कि आप अगर चौथे पांचवें मंजिल पर अगर आप रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आप चौथे मंजिल पर या पांचवें मंजिल पर लिफ्ट से जाएंगे या फिर सीढ़ियों से जाएंगे, तो जो पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला जो आप क्रॉस करते हैं, वो आपके लिए स्ट्रगल नहीं है, वो आपके लिए जर्नी है. तो जर्नी तो बहुत मजेदार रही मेरे हिसाब से, और काफी इसमें अप्स एंड डाउन देखे हमने. हालांकि अप्स बहुत कम देखे, डाउन बहुत कम देखे हमने. तो जाहिर सी बात है संघर्ष के रूप में अगर कोई इसे कहे, तो हमने चीजों को सीखा बहुत है. जो गलती हमसे हुई है या जो ऑब्जर्वेशन हमने समाज से, क्योंकि एक कवि, एक कलाकार, एक कॉमेडियन एक समाज का आईना कहा जाता है,
आप हमारे समाज हैं और आपसे जो हम देखते हैं सीखते हैं वही लोगों को सुनाते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज लोगों को पसंद आती है। तो आज जो कुछ भी है ये आप लोगों की वजह से ही है। हमारे छोटा सा गांव है जौनपुर, बस उसी के रूप में जो भी हमें मिला है वही हम बाहर तक लेके जाते हैं। और सिर्फ सोनी टेलीविजन नहीं, अभी आगे आने वाले कुछ बड़े प्रोजेक्ट हमारे पास हैं जिसमें कलर चैनल पर हम काम करने वाले हैं धीरे धीरे, बहुत बड़े बड़े चैनल पर जो आपको मैं अपडेट देते जाऊंगा। तो कोशिश है कि जहां भी हम जाए अपने गांव को अपने जौनपुर को हम रिप्रेजेंट करते रहे। तो आगे का सफर आप कलर टीवी पर भी जाएंगे, लेकिन जो एक सवाल रहता है लोगों का, जैसे कि आप कई बॉलीवुड एक्टर हैं, उन्होंने सड़कों पर बहुत बहुत दिन रहे हैं, किसी ने कलम बेची है, कोई भूख से तड़पा है, कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ भी कभी कुछ हुआ हो? कई ऐसे इंसिडेंट है जहां मैं, हाँ मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने अपनी कलम बेची, क्योंकि मैं एक साहित्यकार हूँ, मैं कलम कभी नहीं बेच पाऊंगा, मैं चाह के भी नहीं बेच पाऊंगा मैं। हालांकि दूसरे व्यापार बहुत किए गए हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं हम लोग एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गाँव से आते हैं और हमें बचपन से एक सिखाया जाता है कि आपको जिंदगी में एक बैकअप होना जरूरी है। हालांकि उनके लिए कि ये जो कला का क्षेत्र है ये कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि उन्हें हमेशा से ऐसा लगा है हमारे घर घर वालों को या लोगों को कि कला का क्षेत्र एक सेकेंडरी है, आर्ट है, एक टाइम पास है लोगों के लिए या फिर हॉबी है, इस तरीके से देखा गया है। लेकिन हम कुछ लोगों ने कोशिश की है कि जिसको लोग एक सेकेंडरी आर्ट कहते हैं या फिर हॉबी कहते हैं हम इसको फुल टाइम प्रोफेशनल कोर्स बना सकें। हमने कोशिश की है और हम जैसे कई लोगों ने कोशिश की है कि हम जिसको लोग एक हॉबी कहते हैं, एक सेकेंडरी टाइम पास के रूप में कहा जाता है, किसी के लिए एक मनोरंजन कहा जाता है, उसको हम प्राइमरी बिजनेस के रूप में हम लेकर आए। इनफैक्ट जो हमारी कोशिश है, जो हमारी हॉबी है, अगर उसको हम अपना बिजनेस बना ले, अपना उसका आर्ट बना ले, तो इससे बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। क्या बात है सूरज त्रिपाठी जी, आप गांव से आते हैं तो ऐसे में हम चाहेंगे कि आप जौनपुर में कहां से हैं, थोड़ा दर्शकों को डिटेल में बताइए। जी, जौनपुर पास एक बहुत छोटा सा स्टेशन है, जंघई स्टेशन, आपने नाम सुना होगा। जंघई स्टेशन के पास एक मीरगंज बाजार है और बाजार को लगकर ही छोटा सा गांव है मेरा जिसका नाम है मणिकापुर। बहुत छोटा सा गांव है, लगभग 100-150 की आबादी होगी आज भी वहां पर, लेकिन जो देसीपन है वहां का वो जीवित है और वहां के जो हाथ से चुटकुले हैं, हाथ से के जो माहौल है, ऑब्जर्वेशन है, खेती बाड़ी है, ये सारी चीजों से धनी रहा है। तो वहीं की चीजों का ऑब्जर्वेशन, अपने लोगों का ऑब्जर्वेशन, तो ये सब लेकर हम मुंबई महानगर में गए थे। मैं चाहूंगा कि जो परफॉर्मेंस आप टीवी चैनल्स पे दे रहे हैं, सोनी टीवी चैनल पे, हम चाहेंगे जो भारत के दर्शक भी उसे सुने। जी हाँ जी, आपका सवाल मैं फिर से सुन सकता हूँ मैं? हम चाहते हैं कि जो परफॉर्मेंस आप सोनी टीवी पर दे रहे हैं दर्शकों को भी हमारे सुनाइए। देखिए, दर्शक हमारे, कहा जाता है कि हमारे भगवान है दिमाग, क्योंकि उन्हीं के रूप में हम समाज का आईना है और समाज से जो हम देखते हैं वही उन्हें सिखाते हैं और वही उनके हम सुनाते भी हैं। तो बस आपका साथ चाहूंगा मैं, क्योंकि जिंदगी में हर इंसान को मस्ती में रहना चाहिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना दुनिया में कुछ लोग तो जबरदस्ती जिंदा है। क्या बात है। और जहां भी आपको हमारी बातें अच्छी लगे आप हमें तालियों में समर्थन करते रहना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि जिंदगी में मस्ती मजाक के अलावा कुछ नहीं है। दो पल की जिंदगी है, अपने जिंदगी में एंजॉय का ग्राफ इतना बढ़ा लीजिए कि जिंदगी में कभी एंजियोग्राफी की जरूरत ना पड़े। क्या बात है। और एक बात यह कि आदमी, देखिए, इंसान धन के पीछे तो तब तक भागता है जब तक उसका निधन ना हो जाए, इसलिए धन के पीछे और निधन के पीछे ना भागे, हम अपने मस्ती में जिए, इसकी बड़ी कोई बात नहीं। इंसान धन के पीछे तब तक भागता जब तक निधन ना हो जाए, बहुत क्या बात है। हाथ से जो है ना भैया, ऐसा है कि हाथ से के लिए आपको कहीं नहीं भागना है। हमारे जौनपुर में इतना हाथ से भरा हुआ है कि पूछिए मत आप। जैसे पूरी दुनिया में कोरोना आया था, ठीक है, हमें तो ऐसा लगता है कि कोरोना जौनपुर में पहुंचा ही नहीं था, जौनपुर के पास ही वो भटक गया होगा।
कैसे? क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना का टेंशन मनाया जा रहा था और हमारे जौनपुर में कोरोना का उत्सव और महोत्सव मनाया जा रहा था। क्या बात है भाई। कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए पूरी दुनिया काढ़ा पी रही थी, ठीक है ना, पूरी दुनिया काढ़ा पी रही थी कोरोना से बचने के लिए। जी, और हमारे जौनपुर में रोज शाम होते ही कभी समोसा बन रहा है, कभी कचौरी बन रही है, कभी पकवान बन रहे हैं और अपना फेवरेट डिश है लिट्टी चोखा बन रहा है। तो वहां तो कोई टेंशन ही नहीं था। हम तो भगवान से एक ही चीज बना रहे थे कि भैया टीका आने तक हमको टिकाए रखना। क्या बात है, भगवान के बीच आप हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग दुनिया चले गए। हमारे जौनपुर में मास्क पहनकर बाप और बेटा दोनों एक ही दुकान से जाके ठेके से शराब खरीद रहे थे। क्या बात है भैया। अच्छा एक बात बताइए भैया, और हमारे पूरा अच्छा हमारे हमारे चाचा जी के शराब खरीद रहे। जी 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 जैसे सोनी टीवी में आप पहुंचे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ऐसे में गांव के कई बच्चे होते हैं जो जानना चाहते हैं, परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, बहुत सारे टैलेंट हैं, तो उनको कैसे राह दिखाएंगे आप? देखिए, राह दिखाने का सबसे पहली बात है, क्योंकि हालांकि उस चीज को लेकर हम आज भी मेहनत करते हैं और वो जिंदगी भर मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आपके पास मटेरियल कंटेंट बैंक जो है ना, आपके कंटेंट जो हम परफॉर्म करने वाले उसको बैंक कहते हैं, कंटेंट का बैंक। आपका कैनवास इतना बड़ा होना चाहिए, इतना आपके पास कम से कम 2-5-10 घंटे का माल होना चाहिए, ताकि एक कंटेंट अगर उनको सही नहीं लगा तो दूसरा, दूसरा सही नहीं लगा तो तीसरा। हमारे पास इतना माल होना चाहिए, इतना बैंक होना चाहिए कि हमारा रिजेक्शन होने का चांसेस ही ना हो। तो सबसे पहले तो तैयारी, और जहां तक बात तैयारी की आती है, एक छोटी सी बात आपको सुनाता हूं मैं। हमारे जौनपुर में आप किसी भी बच्चे को पूछना और क्या चल रहा है, तो बच्चा एक ही बात बोलेगा कि तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है। हालांकि हमको तो आज तक समझ में नहीं आया ये किस बात की तैयारी चल रही है। आज तक समझ में नहीं आया मैं कि किस बात की तैयारी चल रही है। किस बात की तैयारी? वो तो एक दिन पुलिस आई, उसको पकड़ के लेके गई, अगले दिन अखबार में छपा, तब पता चला कि कौन सी तैयारी चल रही थी। क्या बात है भैया, वाह वाह। हमने उसके बड़के भाई से पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो, तो वो भी कहने लगा कि भैया आप भी तैयारी कर रहे हैं। वो तो जब 4 महीने बाद मुन्नी हुई तब समझ में, अच्छा तो तुम इस बात का तैयारी कर रहा था। क्या बात है। तो आज तक अपने 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 क्षेत्र में जो मजा है ना, वो तैयार मतलब जिंदगी भर तैयारी चलती ही रहती है। यूपी बिहार इस बात के लिए फेमस है। वैसे भी जौनपुर में एक गांव है माधवपट्टी, जहां से ISBCS निकलते हैं। एक गांव में ही 47 ISBCS है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई देश कोई देश में जाना जाता है, बहुत बड़ा। हाँ मतलब अगर और... अगर माधवपट्टी में अगर आप पत्थर मारे तो हो सकता है किस IPS को लग जाए और आपके ऊपर केस भी हो सकता है। जी जी जी। ऐसे में यूपी बिहार के जो बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात कि आज हम 2022 में खड़े हैं। ये हिंदुस्तान अब वो 90 का दशक, 70 का दशक नहीं रहा। अब क्योंकि इंटरनेट के आने से, टेक्नोलॉजी के इतने अपग्रेड होने से कंपटीशन इतना बढ़ चुका है और इतने खतरनाक टैलेंट आ चुके हैं। आप देखिए 2003 में दिन के 4 में लगभग 2004 में सबसे पहले इंडियन आइडल शो आया था, आज उसका 14वां सीजन चल रहा है। 2007 में डांस इंडिया डांस आया था, आज उसका 12 सीजन चल रहा है। 2005 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आया था, आज उसका 6वां सीजन चल रहा है। इसका मतलब ये है कि देश और दुनिया में डांसर और सिंगर ढूंढना आसान है, पर कॉमेडियन ढूंढना मुश्किल है।
इस दुनिया में, इस दौर में जो आपको हंसाए ऐसे लोग बहुत कम है देश में। तो कॉमेडियन होना बहुत कम, कॉमेडियन या हास्य कविता होना या हास्य कवि के रूप में बाहर आना बहुत कठिन काम है। और ऐसा कहा भी जाता है कि कॉमेडी इज ए सीरियस बिजनेस, तो जो अपने काम को लेकर सीरियस है वही कॉमेडियन बन सकता है, वही हास्य कवि बन सकता है या वही हास्य कलाकार बन सकता है। क्योंकि टेंशन देने के लिए तो हमारे पड़ोसी कम है क्या? तो लेकिन आज के दौर में हंसाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप भी जानते हैं, आप भी इतने बड़े चैनल पे आप हैं, आपको पता है कि आज के डेट में RTI आ चुका है, राइट टू स्पीक है। इस दौर में प्रोटोकॉल का तहत करते हुए, प्रोटोकॉल में ध्यान में रखते हुए कॉमेडी करना, वो भी क्लीन कॉमेडी, हम उस टाइम के कॉमेडियन नहीं है जो आप यूट्यूब पे देखते होंगे कि वो मंच को जमाने के लिए गाली गलौज करते हैं, हम उस टाइम के हास्य कलाकार नहीं है। हमारी कॉमेडी या हमारी जो हास्य की जो कंटेंट है वो 100% आप अपने फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। तो ऐसी कॉमेडी देना, ऐसे ह्यूमर देना देश में बहुत मुश्किल काम है। अब इस तरह का जो अश्लील कंटेंट है इसको लेकर आवाज उठने लगी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए उसकी ऑडियंस है ना, अगर अच्छी, जैसे हम छोटी सी बात करें, इसी देश में ए ग्रेड की फिल्म भी बनती है, बी ग्रेड की बनती है और सी ग्रेड की भी बनती है, तो तीनों ग्रेड की ऑडियंस है, इसलिए फिल्म बन रही है ना। ए ग्रेड के भी शराब बेचे जाते हैं, बी ग्रेड के भी शराब है, सी ग्रेड के भी है, तीनों की ऑडियंस है। तो जाहिर सी बात है कुछ ऑडियंस हमारी है, बहुत कम है, ऐसी एक छोटी सी लिमिटेशन ऑडियंस है जो खास करके यूथ है हमारी, जो नई पीढ़ी आ रही है वो कॉमेडी के नाम पे गाली गलौज सुनना पसंद कर रही है, इसीलिए ये लोग सुना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। अगर हम अपने जनरेशन को अगर गाली गलौज सुनाएंगे तो उनके लिए कॉमेडी का मतलब गाली गलौज हुआ फिर तो जी। और अगर कॉमेडी मतलब गाली गलौज है तो कपिल शर्मा का शो आप देख लीजिए, जॉनी भाई का शो आप देख लीजिए, राजू श्रीवास्तव का शो देख लीजिए, इन्होंने कभी जिंदगी में गाली नहीं दी है अपने परफॉर्मेंस में, उसके बाद भी धुआंधार शो किया इन्होंने। तो कॉमेडी का मतलब कभी भी गाली गलौज नहीं रहा है, अश्लीलता नहीं रही है। और जो अश्लीलता कर रहे हैं मैं तो उनको हास्य कलाकार या फिर कॉमेडियन नहीं मानता हूं। अंत में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? अंत में यही कहना चाहूंगा कि देखिए बहुत छोटी सी जिंदगी है और बहुत बड़े बड़े सपने हैं। हमारे बहुत बड़े कवि हैं मंच के, आपने नाम सुना होगा पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे सीनियर हैं, हमारे गुरु हैं। उनका एक वाक्य हमेशा मेरे जहन में होता है, उनका ये कहना है कि आपने कहा ना कि छोटे से शहर से हम लोग हैं, उनको क्या सोच देनी चाहिए, तो उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि आप कहाँ बैठे हैं, ये जरूरी है कि आपका दिमाग और आपकी सोच कहाँ बैठी है। तो अपनी सोच को बड़ी जगह पर लेके जाइए, अपनी सोच बड़ी रखिए, अपने टैलेंट, अपने परफॉर्मेंस को, कैनवास को इतना बड़ा कर दीजिए कि कभी आपका जिंदगी में रिजेक्शन ना हो। और रिजेक्शन होना बहुत जरूरी है, मेरा मानना है कि जिंदगी में जिसने रिजेक्शन नहीं देखा उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो जिस तरह एक छोटा बच्चा चलने से पहले कई बार गिरता है, उसी तरह हर जिंदगी के, हर जीवन में, हर इंसान के, मनुष्य के जीवन में गिरना जरूरी है, क्योंकि अगर वो गिरेगा नहीं तो सीखेगा नहीं। तो इसलिए गिरना, उठना और दौड़ना, ये सब जिंदगी, तो ये चलते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। शायद कहा भी गया ट्रेन के, जी 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 भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, ब्रिटेन के एक बहुत बड़े लेखक है, उनका कहना था कि सक्सेस हैज डिस्ट्रॉयड मोर पीपल देन फेलियर, जिसका अर्थ ये है कि सक्सेस ने कई लोगों का दिमाग खराब किया है लेकिन फेलियर ने कई लोगों का दिमाग ठिकाने पर लगा दिया है। तो फेलियर होना जरूरी है ताकि आप सक्सेस तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी जुड़ने के लिए, इसी तरह आप लोगों को हंसाते रहिए, हमारे जौनपुर का नाम रोशन करते रहिए, देश का नाम रोशन करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया।